एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवीक्षा रेम टैलेंट इज माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने कौन से वाले प्रोडक्ट्स लिए हैं। जी हाँ, मैंने फिर से ऑनलाइन शॉपिंग करी है, जैसे कि मैं हर बार करती हूँ और हमेशा करती हूँ, और मैं कोई सुधरने नहीं वाली, क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी ही होती है। जैसे मैं रोज खाना खाती हूँ ना, उसी तरीके से मुझे शॉपिंग करनी होती है, तो कुछ ना कुछ मुझे चाहिए ही होता है ऑनलाइन। तो इस बार मैंने बहुत सारा सामान लिया है, मेकअप प्रोडक्ट्स लिए हैं, जो कि आपका भी बहुत फेवरेट पार्ट है। मुझे पता है हर जो कोई भी मुझे देख रहा है ना अभी, हर किसी का फेवरेट पार्ट है, मुझे पता है। तो इसीलिए मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए हैं, ताकि आप लेना चाहते हो तो आपको आइडिया मिल सके। तो ये रहा मेरा पार्सल, जैसे कि मैंने पहले ही खोल के रखा है। ये देखो, इस तरीके के बबल पेपर्स में मुझे मेरे प्रोडक्ट्स इसी हुए थे। ये ऊपर का कवर है। और मैंने ये शॉपिंग कहाँ से करी है, ये तो आपको हेडलाइन से पता चल चुका होगा। मैंने नायका से शॉपिंग करी है और बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, और डिस्काउंट में मैंने सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं। और ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, जो चाहती हैं कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करती हूँ। जैसे जैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज दिखाऊंगी, जैसे मैं प्रोडक्ट शेयर करूंगी, मेकअप करते हुए प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी, तो उन सभी वीडियोज में आपको पता चलने वाला है कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मेकअप के लिए या फिर स्किन केयर के लिए। तो आज के वीडियो में मैंने स्किन केयर वाले भी प्रोडक्ट्स लिए हैं, जो कि मैं ज्यादातर नहीं लेती। मैं नेचुरली ही स्किन केयर करना प्रेफर करती हूँ और मैं खुद भी वही करती हूँ, बट जो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है ना, जिनमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स है, उसके मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो पहले मैं आपको स्किन केयर वाले प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ। जैसे कि मेरा पहला प्रोडक्ट है, मैंने टोनर लिया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा ना, तो मैं बहुत टाइम से एक ही टोनर यूज कर रही हूँ। वो कौन सा है आपको अच्छे से पता है कि मैं वो गुड वाइब्स का टोनर यूज कर रही हूँ काफी लंबे टाइम से, जो है ग्रीन टी ग्लो टोनर है, आई थिंक सो, हाँ वही है। और एक निम टोनर भी था, वो भी मैंने यूज करा है, बट एक ही ब्रांड का मैं यूज कर रही थी, अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, और मैं चाहती थी कि ये मैं एक बार जरूर ट्राई करूँ, क्योंकि नेचुरल सा है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, ये बहुत सही वाले हैं। और ये जोविस का है, जो कि काफी अच्छा ब्रांड है, स्किन टोनर है ये। और इसका जो फ्लेवर है, ये कुकुम्बर है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रेशर और क्लीननेस, और 200 ml में आएगा। क्वांटिटी देखो आप, और प्राइस भी इतनी भी ज्यादा नहीं है। इसकी प्राइस है 220 rupees, और इसमें मुझे शायद कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। लंबे टाइम तक हम इसे यूज कर सकते हैं, तो ठीक है इतनी प्राइस भी। रिव्यू मैं आपको इसका पर्सनली देने वाली हूँ, उसमें आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट। सेकेंड, मैंने विनस का जिलेट गार्ड लिया है हेयर रिमूव के लिए। तो ये मैं अक्सर यूज करती हूँ जब भी, तो इसका यूज मैं कैसे कैसे करती हूँ ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो हमेशा तो ये मार्केट से लेती हूँ, लेकिन इस टाइम इसके ऊपर 20% डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने सोचा ऑनलाइन ही ले लिया जाए, तो इस बार मैंने ये लिया है। काफी अच्छा प्रोडक्ट है ये। मेरे पास है ये वाला प्रोडक्ट। मैं आपको बता दूं, मैं बहुत पहले, यानी कि मैं 6-7 साल पहले मैंने इसके प्रोडक्ट्स लिए थे, जब मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स आ रहे थे। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि आप ओशा का प्रोडक्ट यूज करो। आई थिंक जो शॉप में काम करने वाली गर्ल्स थी ना, उन्होंने मुझे प्रेफर किया था कि आप ये वाला ब्रांड करके प्रोडक्ट्स यूज करो। तो मैंने वो जो डिब्बी है ना, वो अभी भी मेरे पास है 7-8 सालों से। तो मैं रेमेडीज करती हूँ ना, तो मैं इसमें डालती हूँ, क्योंकि उसकी बॉटल जो है वो बहुत अच्छी है, तो मैं अभी भी मेरे पास है। वो मैंने यूज करी थी और मुझे उसका रिजल्ट है ना बहुत सही वाला आया था, लेकिन बाद में मैं ये वाला ब्रांड भूल गई, क्योंकि मेरी शादी हो गई और बहुत टाइम के बाद मुझे ये मेरे नजर में आया। फिलहाल हेयर सीरम का बहुत ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को हेयर सीरम चाहिए। पहले तो कोई हेयर सीरम ज्यादा नहीं लगाता था, लेकिन अभी तो हर किसी को हेयर सीरम चाहिए ही चाहिए। तो बहुत सारे हेयर सीरम्स हमारे मार्केट में आ चुके हैं, ऑनलाइन भी हमें मिलते हैं, और प्राइस भी बहुत ज्यादा होती है उनकी क्वांटिटी के हिसाब से। जैसे कि वेला हो, वेला के प्रोडक्ट जो होते हैं कितने महंगे, आपको तो पता है, 1000-1500 तक आपको उनके हेयर सीरम्स मिलते हैं। मेरी नजर इस पे गई, और ये ओशिया हर्बल्स करके बहुत अच्छा ब्रांड है ओशिया का, अगर आपने यूज कराना तो आपको इसका रिजल्ट पता होगा। हेयर सीरम है स्मूथ एंड शाइन हेयर के लिए, तो मैं इसको यूज करने वाली हूँ, और इसका रिजल्ट जब भी मुझे आएगा ना, और कैसा आता है ये मैं आपके साथ जरूर शेयर करने वाली हूँ। और मुझे अच्छा फील होगा जब भी मुझे रिजल्ट आएगा, और अगर मुझे रिजल्ट अच्छा आता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है, ये जो ब्रांड है ना वो सच में बहुत सही वाला ब्रांड है। और इसकी जो प्राइस है वो 395, यानी कि 400 तक ये आपको मिल जाता है, पर ठीक है ना, आजकल तो हेयर सीरम्स कितने महंगे होते हैं आपको तो पता है, तो उसके हिसाब से ठीक है, ये बहुत अच्छा है। और 100 ml इसकी नेट क्वांटिटी है, ठीक है।
पैसा वसूल है, क्योंकि मुझे तो लगता है देखने से इसकी पैकेजिंग भी बहुत प्यारी है और मुझे लगता है पर्सनली कि ये बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। और कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा है यार, मैं ना 2-3 दिन के बाद ही आपको इसका रिव्यू दूंगी, क्योंकि मैं कल से ही इसको ट्राई करने वाली हूँ। इसलिए अभी मैं दिखाने जा रही हूँ वो है मेकअप प्रोडक्ट्स। और सबसे पहले मैं आपको क्या दिखाऊंगी, तो ये मेकअप रिमूवर है गार्नियर का, ये मुझे फ्री मिला है, डिस्काउंट चल रहा था तो ये मुझे फ्री मिला था। मैंने कभी आज तक मैंने भी मेकअप रिमूवर नहीं परचेस किया है, आज तक मैं जो भी करती आ रही हूँ रेमेडी करके और DIY करके ही आ रही हूँ। पहली बार मेरे पास इस तरीके का कोई मेकअप रिमूवर आया है, तो इसको ट्राई करूंगी और बताऊंगी आपको, मुझे नहीं पता ये कैसा है। देखो इस तरीके का कार्ड बॉक्स मुझे मिला था, इसमें मुझे मेरे प्रोडक्ट्स मिले हैं, और भी एक बक्सा था लेकिन मैंने वो फेंक दिया और इसमें ही सभी प्रोडक्ट्स डाल दिए। और है ना नायका की ये सर्विस बहुत अच्छी लगती है, कोई भी आज तक का प्रोडक्ट मुझे क्रैक होके या कोई डैमेज होके नहीं मिला है, बहुत अच्छे पैकेजिंग के साथ मुझे मेरे प्रोडक्ट्स हर बार रिसीव होते हैं। ये मैं सेकेंड टाइम ले रही हूँ, वाला वाटरप्रूफ है और एक्सट्रीम ब्लैक है। ये बेबेलिन का मस्कारा है, मुझे तो लगता है कि ये हर किसी के पास होगा बट ये मेरे पास पहली बार आया है। मेरे पास मैंने बहुत सारी लिपस्टिक्स लिए हैं इस टाइम, क्योंकि डिस्काउंट चल रहा था इसके ऊपर, 20% डिस्काउंट चल रहा था, तो ये इस तरीके की मेबेलिन की लिपस्टिक है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 299 रुपीज है, बट मुझे ये सिर्फ और सिर्फ 200 में रिसीव हुई है, 100 में मुझे रिसीव हो रही थी तो मैंने 4 लिया है, 4 शेड्स, क्योंकि मेरे पास बुलेट लिपस्टिक्स नहीं थी, सभी क्रेयॉन्स और लिक्विड लिपस्टिक्स थी, इसलिए मैं चाहती थी कि इस टाइप की लिपस्टिक्स भी मेरे पास हो और वो भी मुझे कम प्राइस में मिले, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कम प्राइस में लिपस्टिक्स लेना चाहते हो तो मेबेलिन के ये कलर शेड्स बहुत अच्छे हैं। अभी तो मैं आपको कलर शेड्स नहीं दिखाऊंगी, बाद में मैं ना सभी लिपस्टिक्स आपको दिखाने वाली हूँ, उसमें मैं आपको शेड्स दिखाऊंगी, बहुत प्यारे प्यारे शेड्स मैंने लिए हैं। तो ये वाले लिपस्टिक्स मैंने लिए हैं 4। देन नेक्स्ट मेरे पास है ये NYX का लिपस्टिक, पूरी पैक होके हमें रिसीव होती है, इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक की कवर है, प्लास्टिक की कवर से ये पूरी पैक होके मुझे मिली है। मरून शेड है इसका, और फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने कोई NYX का प्रोडक्ट लिया है। कहते हैं बहुत अच्छा ब्रांड होता है, प्रोफेशनल ब्रांड है ये NYX, हुडा ब्यूटी मैक और भी एक है स्मैश बॉक्स, ऐसे करके जो ब्रांड्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं उनके। तो ये भी लिपस्टिक जो है इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, 600 गाइस, 600 में ये लिपस्टिक आपको रिसीव होती है, बट मुझे इस पे डिस्काउंट मिला था, ये मुझे 500 तक मिली थी आई थिंक सो। तो मैंने एक न्यूड शेड लिया है ये वाला, और ये मैंने मरून शेड लिया है, बहुत प्यारे शेड है। डार्क वाला अक्सर मैं यूज़ नहीं करती बट मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि कभी भी मैं अगर मेकअप लुक क्रिएट करती हूँ, कभी भी अगर मुझे बाहर जाना होता है, जब भी मुझे डार्क शेड की जरूरत पड़ती है तो मेरे पास होना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये मरून शेड लिया है, क्योंकि मेरे पास पहले एक ही कलर था ये वाला, ये सेकेंड कलर है, और ये तो बहुत ज़्यादा है, न्यूडिश कलर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जैसा मुझे टाइम मिलता है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी सभी जो लिपस्टिक शेड्स है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आपको दिखानी है, मैं धीरे धीरे करके वो दिखाने की जरूर कोशिश करूँगी। ये था मेरा आज का वीडियो, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको दिखाती रहूँ, अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग रिव्यूज देती रहूँ और रेमेडीज देती रहूँ, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज लाती रहूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, और उसके बाद जो बेल नोटिफिकेशन का बटन भी है उसको भी हिट करना है, ताकि मैं जब भी कभी वीडियोज डालूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। और ऐसे लाइक काय करता है मला लगेच कळतं विशाल। तो मिलते हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, आपको मैं कैसी लग रही हूँ ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। बाय।